वेलकम बैक माय चैनल। मैं हूँ संजय और फिर एक नया ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं अभी आया हूँ ड्यूटी से और मेरा ड्यूटी अभी ख़त्म हो गया। अभी बच रहे हैं दोपहर का 11 और मैं अभी आज ये ब्लॉग बहुत खास होने वाला है। मैं अभी जाने वाला हूँ चेन्नई सेंट्रल और उसके बाद जाएंगे पैरमपुर। पैरमपुर एक ऐसा स्टेशन है जहाँ से जहाँ जितने भी नॉर्थ के आते हैं तो सेंट्रल चेन्नई सेंट्रल आते हैं या पैरमपुर आते हैं। तो मैं आपको दिखाऊँगा वहाँ का कुछ वही व्यू दिखाऊंगा। और मेरे एक रूम पार्टनर है तो उनका एक रिलेशन आने वाले बिहार से, बिहार मुजफ्फरपुर से आने वाले हैं, तो मैं उनको रिसीव करने जा रहा हूँ क्योंकि मेरा दोस्त जो है वो ड्यूटी में और मेरा छुट्टी हो गया। मैं सुबह 6 बजे गया था, अभी छुट्टी हो गया तो मैं फिर शाम को 6 बजे जाऊँगा, तो मेरे पास काफ़ी टाइम है। तो मैं सोचा अच्छा ठीक है मैं उनको रिसीव कर लेता हूँ और एक नया ब्लॉग भी बन जाएगा। तो दोस्तों मैं भी आपको लेकर चलने वाला हूँ, कहाँ पैरमपुर लेके जा रहा हूँ सेंट्रल से। तो अभी मैं रूम में और अभी मैं निकल रहा हूँ और काफ़ी भी आज दुकान बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा था, बहुत ज़्यादा काम था, इतना काम था कि आप हम बिल्कुल थक जाते हैं काम करते करते, इतना ज़्यादा काम था। और क्योंकि आज तो संडे भी है तो चेन्नई में आप अगर रहते हैं या आपको जानते होंगे होटल लाइन में क्या होता है कि चेन्नई बहुत ज़्यादा संडे में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, इतना भीड़ होता है कि मत पूछिए। तो हम ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो अभी हम देखिए मेरे पीछे मैनेजर है, अभी हम आ चुके हैं रूम के बाहर और अभी सीधे हम सेंट्रल चलेंगे। सेंट्रल के बाद से फिर एक स्टेशन चेंज करेंगे और उसके बाद जाएंगे पैरमपुर स्टेशन। पैरमपुर में मैं काफ़ी दिन तक रह चुका हूँ तो मेरा आइडिया है कि कैसे रहना है वहाँ, कैसे घूमना है, कौन सा एरिया है। लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि आपको थोड़ा दिखाएँ, थोड़ा सा ही दिखाएँगे मगर चलिए दिखाते हैं। और अभी मौसम यहाँ बिल्कुल ठंडा है, मौसम बहुत मस्त है, धूप बिल्कुल भी नहीं है। तो सीधे मिलते हैं आपको चेन्नई सेंट्रल में। ये आ चुके हैं चेन्नई सेंट्रल और आपको हम दिखाते हैं। देखिए मेरे पीछे चेन्नई सेंट्रल है और अभी आपको हम दिखाते हैं। बहुत ज़्यादा फ़ोन कर रहा है वो और बोला यार जल्दी आओ जल्दी आओ, अभी हम तो उतरे ही हैं, अभी तुरंत हम चेन्नई सेंट्रल पहुँचे। तो अभी आपको हम दिखाते हैं पीछे का, ये देखिए चेन्नई सेंट्रल का ये है। आप जानते हो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, यहाँ से यहाँ तक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है ये देखिए। और ये बारगेटिंग लगा हुआ है, पता नहीं कैसे जाएंगे हम। ये देख मस्त वाला एक झंडा है, चेन्नई में कहीं भी अभी आप आएंगे तो आप देखेंगे कितना बड़ा झंडा रहेगा और इंडियन फ्लैग मिलेगा आपको हर स्टेशन पे मिलेगा। तो ये देखो उधर से आपको, अरे पता नहीं वो आदमी, यहाँ से अभी हमको जाना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा ये चेन, ये देखिए ये मेन गेट है, यहाँ से 3 नंबर प्लेटफॉर्म इधर बाहर आता है और ये 4 नंबर है, 5 नंबर है, यहाँ से भी बाहर आ सकते हैं आप। ये देखिए अंदर ये अडियारंडा भवन है, ये देखिए अडियारंडा भवन चेन्नई का सबसे बड़ा ऑनर और बहुत बड़ा ये कंपनी है, हम लोग भी इसमें काम कर चुके हैं। तो अभी हम चलेंगे टिकट लेने के लिए। ठीक है, पीछे जो हमारा ये देख रहे हैं ये इस तरफ है रेलवे स्टेशन अंदर जाने का, और यहाँ पे जिसके पास प्लेटफॉर्म टिकट नहीं होता है वहाँ पे आके ठहर सकते हैं कुछ देर, कुछ घंटा आप यहाँ बाहर पे सो सकते हैं। और अभी हम चल रहे हैं कहाँ पे, पैरमपुर जाने के लिए टिकट लेंगे और उसके बाद चलेंगे पैरमपुर। काफ़ी फ़ोन कर रहा है वहाँ से, यार कब आओगे कब आओगे, हमने बोला यार अभी तो छुट्टी हुआ है, मेरा छुट्टी हुआ है तो अपना काम देखने के बाद ही ना आएँगे। तो बोला वो अभी वेट कर रहा है और अभी हम चलेंगे पैरमपुर सीधे और फिर एक फिर एक टिकट लेंगे उसके बाद हम सीधे चलेंगे पैरमपुर। ये इधर से जाने वाला पैरमपुर जाने का रूट है इधर से, और फिर हमें भी वहाँ से जाके ये मेन काउंटर है जहाँ से आपको अपने तरफ बिहार यूपी दिल्ली मुंबई किधर भी आपको जाना है तो ऐसे आपको टिकट लेना पड़ता है वहाँ से मेन काउंटर। ये लोकल टिकट है जहाँ से मिलता है, तो हम अभी लोकल टिकट लेंगे। और उस साइड से मिलता है कहाँ, अदर स्टेट जाने के लिए मिलता है लॉन्ग टूर के लिए, तो अभी हम लेते हैं उसके बाद पता नहीं कितना भीड़ है। तो अभी हम टिकट ले लिए हैं पैरमपुर जाने के लिए। दो रूट है, अब जिस रूट से अभी आए थे वो रूट था बीच के तरफ जाने वाली ताम्रम, और ये है इधर सेंट्रल से फिर इधर जाने का पैरमपुर, ऐसा मुगा पेड़ ये सब जाने का रूट है। हमारे पीछे देख रहे हैं यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, भीड़ को तो आप देख सकते हैं इतना भीड़ होता है भाई, नहीं भीड़ आता है। आप जब देखते होंगे या आपने कभी चैनल यूट्यूब चैनल में देखे होंगे कि सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा यात्रा कहाँ होता है, तो आपको चेन्नई का भी नाम आता है
और यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा मतलब लोग भर भर के यहाँ लोग आते हैं, यहाँ काफ़ी भीड़ है। और पूरा स्टेशन और मेरा आदमी यहाँ वेटिंग कर रहा था, तो अभी हम उनको फ़ोन करते हैं और कहाँ है, उसके बाद रिसीव करते हैं और चलते हैं सीधे रूम पे। और पता नहीं कहाँ पे है, मेरे पीछे पैरमपुर रेलवे स्टेशन है, हम आ चुके हैं रेलवे स्टेशन और वो आदमी हमको मिल चुका है। और तो हमको नेक्स्ट फिर जाने के लिए टिकट लेना पड़ेगा, तो फिर टिकट लेते हैं। पीछे कितना लाइन है, पीछे से पैरमपुर रेलवे स्टेशन है। और ये देखिए पीछे का ये सूट है, यहाँ पर हम काम करते थे, ये देखिए वहाँ श्रीनिवासा होटल है और इस समय इस साइड में पैरमपुर रेलवे स्टेशन, ये देखिए लिखा हुआ। अब हम यहाँ से रूम जाएंगे डायरेक्ट, तो रिसीव वो आदमी मिल चुका है, रिसीव कर लिए हैं, सीधे भी अब उनको ले कर फिर रूम चलेंगे। कूलिंग वाटर बॉटल 1 लीटर। तो अभी हम चलेंगे इनके लिए पानी वानी ले लेते हैं, कुछ ठंडा वंडा और नाश्ता वास्ता लेते हैं, और नाश्ता वास्ता करवाने के बाद सीधे चलते हैं रूम। और मेरा बैटरी बिल्कुल लो है, तो शायद आगे तक का सूट होना बहुत मुश्किल है, 2% ही चार्ज बचा है। और ये देखिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ इनका, और पानी वानी लेने के बाद चलेंगे, काफ़ी वेट कर रहे होंगे वो लोग। और ये फाइनली दोस्तों मेरा पैसा हाथ में आ गया है, और ये जो मिशन चला था 75वां दिवस आज़ादी का अमृत महोत्सव, और वो 75वां दिवस में ही मुझे ये एक कॉइन्स मिला है, शायद मैं बहुत लकी आदमी हूँ। और चलते हैं दोस्तों, मैं अभी आ चुका हूँ रूम, और मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, बैटरी लो था, इसलिए मैं बाकी आगे तक का वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन मैं आपको चेन्नई में सेंट्रल, जो कि वो एक ऐसा केंद्र है चेन्नई के अंदर, चेन्नई और एक पैरमपुर सेंटर, पैरमपुर है, चेन्नई सेंट्रल है, और एक मोर है, वो भी मैं कभी आपको दिखाऊंगा, जो कि आप किसी भी अलग स्टेट से आए तो आपको इस 3 जगह को आना ही पड़ेगा, एक मोर और पैरमपुर और चेन्नई सेंट्रल। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये जानकारी, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।